हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम के लीड। और आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि कमेंट्स बॉक्स में मुझे ऐसे बहुत से मैसेज आ रहे हैं कि दी हम बहुत ज़्यादा दुबली पतली हैं, तो हमारे लिए आप कोई भी ड्रेसिंग टिप्स बताइए या फिर स्लिमी गर्ल के लिए ड्रेसिंग टिप्स बताइए, जिससे कि हम कोई भी ड्रेस को पहनते हैं तो हमारे ऊपर अच्छा नहीं लगता, तो हमें थोड़ा गाइड कीजिए। तो इस बात को ध्यान में रख कर आज मैंने ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो गर्ल्स स्पेशल है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अक्सर लाती हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, तो उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दुबली पतली लड़कियों को किस तरह के ड्रेसिंग टिप्स फॉलो करने चाहिए, जिससे वो काफ़ी सुंदर और अट्रैक्टिव भी दिखे और थोड़ी सी चबी भी लगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको स्ट्रेट कुर्ती विथ लेगिंग को एवॉइड करना है। रीज़न कि स्ट्रेट कुर्ती में ऊपर से नीचे एक सीधी वर्टिकल लाइन पड़ती है, जब वर्टिकल लाइन किसी भी ड्रेस में क्रिएट होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा ही स्लिमी लुक क्रिएट होता है, तो आपको इसे एवॉइड करना है। और अगर आप हैवी पटियाला सलवार सूट वेयर करती हैं, जैसा सेकेंड इमेज में देख रही हैं, तो हैवी जो सलवार होती है पटियाला, ये काफ़ी वॉल्यूम क्रिएट करेगी आपकी बॉडी में, और अगर आपकी बॉडी में जब वॉल्यूम क्रिएट होगा तो आप थोड़ी सी चबी दिखेंगी। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप हैवी पटियाला सलवार सूट को वेयर करें। अब बात करते हैं सेकंड टिप्स की, कि आप कोई भी टाइप के ड्रेस को जब भी वेयर करें तो ये ज़रूर ध्यान दें कि जो भी आपने ड्रेस को वेयर किया है वो ज़्यादा स्टिकी ना हो आपकी बॉडी के साथ में, यानी कि ज़्यादा चिपका हुआ नहीं होना चाहिए, जैसा कि आप फर्स्ट इमेज में देख रहे हैं। ऐसे में अगर आप इस तरह की फिटिंग वाला ड्रेस को वेयर करते हैं तो आप और भी स्लिमी गर्ल दिखाई देंगी, जो आपको नहीं दिखना है। तो इसलिए आप जो भी आउटफिट को पहने वो थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट करने वाला हो, जैसा कि फ्रॉक सूट पहना गया है सेकंड इमेज में, इस टाइप के ड्रेस को ही आप ज़्यादा सेलेक्ट करें। अब बात करते हैं किसी भी ड्रेस में कलर्स की। तो जी हाँ, आपको लाइट कलर के ड्रेस ज़्यादा वेयर करने हैं, और डार्क कलर के जो ड्रेस होते हैं उन्हें एवॉइड करना है, चाहे वो इंडियन हो या फिर चाहे वेस्टर्न ड्रेस हो। रीज़न कि डार्क कलर जो ड्रेस होते हैं वो आपके स्लिमी इफ़ेक्ट को ज़्यादा शो करेंगे सबके सामने, जिससे आप ज़्यादा स्लिम दिखाई देंगी, और जो लाइट कलर अगर आप वेयर करते हैं तो वो आपके स्लिमी इफ़ेक्ट को थोड़ा कम शो करेगा आपकी बॉडी में। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप कोई भी आउटफिट पहने या फिर वो इंडियन हो या फिर वेस्टर्न हो, उसमें लाइट कलर को सेलेक्ट करें। फोर टिप्स ये है कि जब भी आप कोई भी ड्रेस को वेयर करें तो उसके नेक के डिज़ाइन पे भी ज़रूर फोकस करें। आपको वी नेक के डिज़ाइन वाले ड्रेस को वेयर नहीं करना है। रीज़न कि वी नेक से आपका स्लिमी इफ़ेक्ट ज़्यादा दिखाई देगा, जैसा कि आप फर्स्ट इमेज में देख रहे हैं। तो वी नेक को एवॉइड करके आप गोल नेक का डिज़ाइन को भी वेयर कर सकते हैं, हाई नेक वाले जो ड्रेस होते हैं उसे भी वेयर कर सकते हैं, और शॉर्ट जो कॉलर वाले जो ड्रेस आते हैं वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छे होंगे, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। तो ज़रूर आप कोई भी आउटफिट को पहनने से पहले उसके नेक के डिज़ाइन पे ज़रूर फोकस करें, और वी नेक को एवॉइड करें। स्लीव्स में आपको लॉन्ग स्लीव्स 3/4 और एल्बो तक की स्लीव्स को एवॉइड करना है। रीज़न कि इसमें स्लिमी इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। स्लीव्स में आप अम्ब्रेला स्लीव्स आप वेयर कर सकती हैं, ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। और इसके साथ साथ जो बेल स्लीव है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये भी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और मल्टीपल लेयर वाली जो स्लीव्स आती हैं फ्रिल की, वो भी आप उसे स्टिच करवा सकती हैं। इसके साथ साथ लॉन्ग अम्ब्रेला भी आप स्लीव्स वेयर कर सकती हैं, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। साथ साथ आपको फैब्रिक पे भी ज़रूर फोकस करना है। आपको ऐसे फैब्रिक को यूज़ नहीं करना है जो आपके बॉडी के साथ चिपके हों, जैसा कि फर्स्ट इमेज में आप देख रहे हैं कि जो फैब्रिक को यूज़ करके सलवार सूट स्टिच करवाया गया है उसमें पटियाला सलवार जो है वो बॉडी के साथ चिपकी हुई है, तो ऐसे में आपका स्लिमी इफेक्ट ज़्यादा दिखाई देगा। तो आप रियॉन फैब्रिक, कॉटन और खादी के जो फैब्रिक होते हैं, वैसे ही फैब्रिक को यूज़ करके आप कोई भी सूट को स्टिच करवाएंगे तो आपका चबीपन ज़्यादा दिखाई देगा, स्लिमी लुक का इफेक्ट दब जाएगा, जैसा कि आप सेकंड इमेज में देख रहे हैं। जो पटियाला सलवार यूज़ की गई है वो रियॉन फैब्रिक की यूज़ की गई है, जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा दिख रहा है, और उसका इफेक्ट ये होगा कि आप थोड़ा चबी ज़्यादा दिखेंगी, इसलिए आपको फैब्रिक पे भी ज़रूर फोकस करना है।
करें पैटर्न की, तो हॉरिजेंटल पैटर्न जो है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि स्लिमी लुक को ज़्यादा चबी बनाने के लिए ये पैटर्न काफ़ी हेल्प करता है। और वर्टिकल पैटर्न जो है उसे अवॉइड करना है। वर्टिकल से मेरा मतलब है कि सेकेंड इमेज में जो पैटर्न बना हुआ है ऊपर से नीचे की ओर जो लाइनें आ रही हैं, इस पैटर्न को आपको अवॉइड करना है, इसमें स्लिमी लुक ज़्यादा दिखाई देगा। तो हॉरिजेंटल पैटर्न को आप ज़्यादा यूज़ कीजिए जो फर्स्ट इमेज में दिखाई दे रहा है। के साथ साथ प्रिंट पे भी आपको जरूर फोकस करना है कि कौन से प्रिंट आपके लिए बेस्ट हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्मॉल प्रिंट जितने भी हैं उनको थोड़ा आपको अवॉइड करना है, और थोड़े से बड़े प्रिंट, जैसा सेकंड इमेज में आप देख रहे हैं, थोड़े बड़े प्रिंट वाले ही फैब्रिक को लेकर आप स्टिच करवाइए और वैसे ही ड्रेस को वेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्लिमी लुक का इफेक्ट कम होगा और चबी लुक ज़्यादा दिखाई देगा, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो इन चीज़ों का भी आप ज़रूर ध्यान रखिए। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से ड्रेस हैं जो कि स्लिम और दुबली पतली लड़कियों के लिए बेस्ट होंगे। तो आपके लिए अनारकली सूट बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसके साथ साथ शरारा सूट है वो भी आपके लिए बेस्ट है, और इसके साथ साथ गाउन जो है वो आप वेयर कर सकती हैं, जैकेट वाले जो सलवार सूट होते हैं वो, और पेपलम कुर्ती विद धोती सलवार, ये आपके लिए बेस्ट ड्रेस होंगे। क्योंकि आपको ऐसे ड्रेस ही चूज़ करने हैं या सेलेक्ट करने हैं जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम हो, ऐसे फैब्रिक वाले कपड़े ही आपको सेलेक्ट करने हैं जिससे आपका स्लिमी लुक का इफ़ेक्ट जो है वो कम होगा और थोड़ी सी आप चबी दिखाई देंगे। एवरीवन, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अक्सर लाती हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, तो इनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और पिनस्टार में, इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो वहाँ से जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। और आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।